हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड और जानेंगे इसकी फुल डिटेल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो आपका फैकल्टी पोजिशन हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज हो, या आपका गेस्ट लेक्चरर्स की वैकेंसी या साइंटिस्ट पोस्ट हो, या आपका बीएससी एमएससी या पीएचडी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, उन सबके वीडियोज़ को मैं यहाँ पे रेगुलरली डालता रहता हूँ। इसके अलावा जो अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट की तैयारी करते हैं, चाहे आपका CSIR JRF हो या आपका SMR JRF या DBT JRF GATE या नीट या BSC MSC इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर बायोलॉजी कंटेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड या तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है जॉब से रिलेटेड और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये आईसर पुणे से रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे देखिए पीएचडी एडमिशन बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी प्रोग्राम बायोलॉजी जनवरी 2022 के लिए जो है यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो फैकल्टी मेम्बर्स और उनके जो लाइक उनका रिसर्च एरिया है वो भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इकोलॉजी इवोल्यूशन में देखें, तो देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है इकोलॉजी इवोल्यूशन में बोथ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल, तो आप यहाँ पे रमनाथया और सुत्रित दे के अंदर जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनका जो रिसर्च एरिया इकोलॉजी इवोल्यूशन है, ऐसे करके आप और भी लाइक फैकल्टी, चाहे वो ग्रीस रत्ना पारखी हो, चाहे जयंत उदगांवकर हो, जितेंद्र चौक हो, कुंदन जैन गुप्ता, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने उनका इस रिसर्च एरिया है मॉलिकुलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोफिजिक्स में, डेवलप बायोलॉजी में, तो आपके लिए इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो न्यूरो बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पे फैकल्टी का नाम दे रखा है, और आप न्यूरो बायोलॉजी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया रहेगा वो डिपेंड करता है आपका A1 या A2 कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे देखिए A1 में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और आपका मिनिमम लाइक 60% मार्क्स होना चाहिए आपका PG लेवल पे, ठीक है। अगर आप जो है एजन OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% यानी 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके मास्टर डिग्री में, तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेकेंड जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाई हुआ जाना चाहिए CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF A, ICMR JRF, DBT BIM JRF, RGMNF, या आपका जो है DST इंस्पायर होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफाइड जेस्ट और GPAT अगर आपने क्वालिफाई किया लास्ट 2 ईयर में, तब भी आपके लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पायर PhD फेलोशिप अगर आपके पास है, यानी DST इंस्पायर अगर आप जो है एलिजिबल है उसके लिए, तब भी आप कर सकते हैं। आईसर BSMS डुअल डिग्री स्टूडेंट विद CGPA ग्रेटर देन 8, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाई अगर आपने किया है गेट एग्जाम, गेट लाइफ साइंस, गेट केमिस्ट्री, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने JEE BIELS अगर आपने क्वालिफाई किया, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आपका A1 A2 दोनों होना चाहिए, तब अभी आप जो है यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू प्रोसेस का, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट जो आपको किया जाएगा वो आपका रिसर्च डिजाइन और डिजाइन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो है आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी रिसर्च डिजाइन और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको सेंड करना होगा। आप तो उसके बाद वो आपका जो है इवेल्युएट करेंगे रिसर्च डिजाइन और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद ही वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे जो है लाइक इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो लास्ट डेट टू अप्लाई 5 PM 21 अक्टूबर है, और डेट्स ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू वो नवंबर 8 टू नवंबर 20 2021। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ पे क्वेरी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप बायोलॉजी एप्लीकेशन @acad.isrpune.ac.in पर जो है आप यहाँ पे अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो यहाँ पे एक बार ऐसे आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा कि आपको जो है किस रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।